बिजली के साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना, भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। किसके रोके रुकाहे सवेरा के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। सदा चलना बनना है अगर सोना, सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी, जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा। किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बात बताओ, तुम एकदम खूटा गाड़ के बैठे हो क्या कि चाहे जो भी हो जाए तुम सब हमारे योजनाओं पर पानी फेर के ही रहोगी? अरे अब हम का किए? अरे हम इंजीनियर को बहाना खोज रहे थे कैसे करके घर लाए। अरे एक्सीडेंट तो बहाना था हमारा, और तुम जो ना सब चौपट कर। एक बात हम जरूर जानते थे कि अगर धर्मा को शराब के लिए सबके सामने टाइट किया जाएगा ना तो वो शराब छोड़ देगा, पर देखो छोड़ ही दिया। हम कह रहे थे कि कमली भौजी ऐसे गांव में काहे घूम रही है, कोनो काम है का? अगर कोनो काम होता तो सूबेदार को बता देती, वो कर देता। जब केकरो आदमी मर जाता है ना तो उसको समाज से जितना उकट के रहता है उतना ही अच्छा रहता है। क्या हुआ बताइए। अरे वो 50,000 का हिसाब नहीं मिल रहा है, लो तुम ही देखो। भैया हिसाब तो मैंने रात में ही देखा था, हिसाब पूरी तरह ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं 50,000 का हिसाब नहीं मिल रहा है, लगता है मुझसे ही कुछ गड़बड़ी हो गई है। भैया कहीं आप उस 50,000 की तो बात नहीं कर रहे हैं जो आपने छाया दीदी को शहर में भिजवाए थे, उनको किसी ट्रेनिंग कैंप या किसी कोचिंग के लिए चाहिए था? अरे हाँ मैं ही भूल गया था, और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। दरअसल जो भी मैं लेन देन करता हूँ ना रसीद के हिसाब से करता हूँ, तो रसीद के हिसाब से मैं हिसाब भी मिला रहा था, तो गड़बड़ी तो होगी ना। बस छाया दीदी अच्छे से पढ़ाई कर लें और कुछ बन जाए, फिर वो इस गाँव की औरतों के लिए प्रेरणादायक बन जाएंगी। गांव की औरतों को तो क्या, यहाँ के मर्दों के लिए भी तुम उस दिन के बाद प्रेरणा बन गई। पता है चौपाल पर प्रधान जी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, और तुम्हारा उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा घर की बहु बेटियों को समाज में सशक्त बनाना चाहिए। भैया औरत तो हमेशा से ही सशक्त रही है, समाज की मर्यादाओं और परिवार के लिए वो अपने दायरे को सिकोड़ कर छोटा कर लेती है, वरना जो औरत पूरे समाज को पैदा कर सकती है वही समाज उस औरत को मर्यादा के नाम पर उसके पैरों पर बेड़ियां डाल देता है और औरत चुप कर बैठ जाती है। बेटा कभी कभी तो तुम इतनी बड़ी और इतनी भारी बातें करने लगती हो, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्या बोलूं। सच कह रहा हूं एक दिन तुम समाज में बहुत बड़ा नाम करोगी। अब वैसे तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली है ना, तो उसके लिए कॉलेज में जाकर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भैया अब जो है सो है, सब समय पर छोड़ दीजिए। आप अपनी सगी बहन की तरह मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे बारे में कितना सोचते हैं,
सबकी कितनी बातें सुनते हैं, लेकिन अगर माँ के खिलाफ जाकर मैं कुछ बन भी गई तो उन सबका क्या मतलब है। और वैसे भी भैया, माँ की तबीयत ऐसी नहीं है कि इस समय मैं उन्हें कोई भी तकलीफ दूँ। बेटा, माँ की बात को काट कर तो मैं भी आगे नहीं निकलना चाहता, लेकिन मेरी आंखों के सामने तुम्हारा उज्जवल भविष्य अंधकार में हो जाए तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक टीस सी बनी रहेगी। भैया, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, जो होगा अच्छा होगा। और वैसे भी भैया, मैंने अपने आप को नदी की तरह बना लिया है, जैसा रास्ता मिलता जाएगा वैसे वैसे बहती चली जाऊंगी। भैया। अरे किरण, मेरे लिए नाश्ता बनाई हो तुम? चाची जी नहीं थी ना, तो मैंने ही नाश्ता बना लिया। अम्मा जो है ना, झूठे तुम्हारे बारे में बोलती रहती, हमें तो लगता है अगले जन्म का कोई तुम लोगों का झगड़ा है, तो इस जन्म में निकलते रहता है। हमेशा तुम ऐसी हंसती रहो, और मेरे रहते हुए तुम्हारे चेहरे का हंसी कोई छीन नहीं सकता। भैया, मैं आपको कितना गलत समझती थी, पर एक आप ही है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, हर मेरी मुश्किल को समझते हैं। इंसान को समझने में गलती हो ही जाती है। देखो, पहले मैं भी तो गलत था, लेकिन मुझे गलत रास्ते से सही रास्ते पे तुमने ही लाया ना। वाह, क्या टेस्टी बना है। मैं बोलता था ना कि अम्मा से बढ़िया खाना तुम बनाती हो। तुम्हारी शादी हो जाने के बाद ना जाने इतना स्वादिष्ट खाना नसीब होगा भी नहीं। अरे भैया, मैं रोज आपको नाश्ता बनाकर खिला दिया करूंगी, कौन सी मेरी अभी शादी तय हो रही है। अच्छा किरण, अपने आप को बहलाने के लिए अच्छा बहाना कि कौन सी मेरी शादी अभी हो रही है। तुम्हें भी पता है अम्मा बाबू जी जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी करके यहां से तुमको विदा कर देना चाहते हैं। लेकिन मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो पसंद है वही शादी होगी तुम्हारी। आखिर मेरी बहन कोई सामान थोड़ी ना है, जहां मर्जी उठा के वहां दे दिए। भैया, आप तो जानते हैं ना कि चाचा चाची जहां जाएंगे मैं वहीं शादी करूंगी। मतलब तुम्हें अपने पसंद नापसंद से कोई मतलब नहीं? मतलब ये कि मेरा ये घाव फालतू गया? क्या अब कहना क्या चाहते हो भैया? हाँ, आपका तो एक्सीडेंट हुआ था ना। एक्सीडेंट तो एक बहाना था, इंजीनियर साहब को मुझे तुमसे मिलवाना था। क्या क्या मतलब है आपका? अब हम इतना भी बेवकूफ नहीं है कि हमको कुछ पता नहीं है। तुमको इंजीनियर बाबू पसंद है ना? देखा, मुझे पता था। और इंजीनियर साहब को तो बाबू जी भी पसंद करते हैं। बाबू जी तो इंजीनियर साहब से तुम्हारी शादी का मन भी बना रहे थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, और बाबू जी का तुमसे विश्वास उठ गया। लेकिन किरण, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। भाई, आप तो जानते हैं मैं धीरज को लेकर कभी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। वो मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया समाज को कौन समझा है? और दुनिया समाज में एक लड़की को लेकर अगर जो बात बनने लगती है, चाहे भगवान ही ऊपर से आके भले ही सफाई देते, फिर भी लड़की के ऊपर से जिंदगी भर लांछन नहीं जाता है। ठीक है भैया, मैं चाचा जी को नाश्ता करवा देती हूँ। हम तुम्हारा वो हाल करेंगे नागिन, दुनिया की सारी खुशी तुम्हें देके, तुम्हें कुछ समझ में आए उसके पहले एक झटके में सब कुछ छीन लेंगे।
हम तो जेल नहीं गए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हम नरक कर देंगे। चलो चलो भौजी, चलो। दुल्हनिया, अरे ओ दुल्हन, अरे कहाँ हो, बाहर आओ। अरे काहे चिल्ला रही हो छबिलिया, बहुरिया के पास कान है, उड़ के थोड़ी आएगी। अरे कोनो काम कर रही होगी बेचारी, बैठो। अरे माँ कहाँ गई थी, तबीयत ठीक है ना, क्या हुआ छबीली में उसी? अरे जोन बात है वो अपने मुंह से थोड़ी ना बताएंगे, भौजी बताएंगी। और ये दुल्हन कहाँ है, कब से बुला रहे हैं उन्हें, बुलाओ जरा। क्या हुआ छबीली मौसी? ऐसा शुभ समाचार ऐसे सूखे सूखे थोड़ी ना सुनाएंगे, अब सीधे सीधे बताओ ना, जो उन चुनौती पूरे गांव के सामने देकर आई हो। देखो बहुरिया, तुमको हमारा इज्जत रखना पड़ेगा, रामलाल को हम बोल के आ गए हैं, ये जोन तुम्हारा पढ़ाई लिखाई छूट गया है ना, उसका तैयारी में लग जाओ, और जो तुम्हारा परीक्षा आने वाला है ना वो भी दे दो। किसके रोके रुका है सवेरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। दुल्हन, अरे ओ दुल्हन, अरे काहे चिल्ला रही हो, बोला ना आ जाएगी, चिल्ला चिल्ला के पूरा घर गूंजा दिया। क्या हुआ छबीली मौसी? वो मैं घर की सफाई कर रही थी, छत पे जाले लग गए थे। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, पानी लाऊं आपके लिए? अरे पानी का क्या, अब तो मिठाई चाहिए, ऐसा शुभ समाचार ऐसे सूखे सूखे थोड़ी ना सुनाएंगे। अरे कौन सा शुभ समाचार है मौसी, सूरज आने वाला है क्या घर? सूरजवा नहीं आ रहा है, बेटे के लिए कितना किए हम, लेकिन बेटे को नहीं कि माई बीमार है तो एक बार जाके हालचाल पूछ ले। अरे माँ तुम तो जानती हो ना, वो अपने काम में कितना व्यस्त रहता है, अपने लिए फुर्सत नहीं निकाल पाता है। अरे भौजी ये सब बात छोड़ो, अब ये बात बहुत देर तक हम अपने पेट में नहीं रख सकते, सीधे सीधे बताओ ना, जो उन चुनौती पूरे गांव के सामने देकर आई हो। चुनौती का दिए हैं उनको, तो फंसा दी हो तुम हमरी ये बात में। माँ क्या हुआ, बाहर कुछ हुआ है क्या, बताइए ना। हाँ माँ क्या हुआ? अरे किसी का हिम्मत है जो हमको कुछ कहे, पूरे गांव में एक आदमी बताओ जो हमको कुछ कहे। वो क्या हुआ कि, देखो बहुरिया तुमको हमारा इज्जत रखना पड़ेगा, रामलाल को हम बोल के आ गए हैं, ये जोन तुम्हारा पढ़ाई लिखाई छूट गया है ना, उसका तैयारी में लग जाओ, और जो तुम्हारा परीक्षा आने वाला है ना वो भी दे दो। हाँ अरे दुल्हन अब ये सब झाड़ू छोड़ो और अपने हाथ में कलम पकड़ लो, अब सुन रही हो ना अपने कान से, अब तो तुम्हारी सास खुदे बोल रही है, और ये बात के लिए इनेग हमारी तरफ से। माँ तुम सच कह रही हो ना? तो का ढिंडूरा पीट के बताए, अब एक बार जो बोल दिया समझ में नहीं आता है का?
लेकिन साफ साफ बता दे रहे हैं, घर परिवार की प्रतिष्ठा पर कोनो आंच नहीं आने देंगे हम, और जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, याद रखियो। माँ, वो सब मेरे लिए सबसे पहले है। इस घर की प्रतिष्ठा, मान सम्मान मैं सबसे पहले निभाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं घर गृहस्थी भी अच्छे से चलाऊंगी। एक बहू होने के नाते जो मेरा धर्म है उसे निभाते हुए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। माँ, सबके सामने हमको बात में फंसा के बुलवा तो लिए, लेकिन हम हूँ सास है, तीन तीन बच्चा पाले हैं, अपन लगाम तो अब हम और टाइट करेंगे। अब देखते हैं कि घर गृहस्थी के साथ काम करते हुए कैसे अपनी पढ़ाई करती है महारानी। घाव तो अब तुम्हारा ठीक होने लगा है बेटा, लेकिन गाड़ी थोड़ा संभाल के चलाया करो बेटा। अब बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं रही है कि बच्चों को तकलीफ में देख सके। कैसी बात कर रहे हैं भाऊजी, आप तो मेरी प्रेरणा है, मेरी ताकत है, और आप ही ऐसी बात करेंगे भाऊजी तो कैसे चलेगा। बेटा, समय के साथ साथ इंसान कमजोर हो जाता है और तब उसको अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है। बेटा, किरण को लेकर बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाऊजी अब परेशान मत होइए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, निरंजन बाबू के बारे में तुम क्या सोचते हो? अभी किरण के लिए वो कैसे रहेंगे? दिखने में तो वो काफी अच्छे और नेक इंसान लगते हैं। अरे जो जैसा दिखता है वैसा होता है का? अब अपनी किरणिया को ही देख लो, कहा सोचे थे उसके बारे में और वो कहा निकली? आखिर दिखा दी ना अपना असली रूप। कभी सोचा है आपने बाबूजी के दिल पे क्या गुजरता है? अरे भरोसा भी तो सबसे ज्यादा यही किए थे ना, तो तकलीफ भी तो इन्हीं को होगी सबसे ज्यादा। यहाँ तक बोल दिए थे कि हमारी चिता को आग भी वही देगी, अब देखो। अरे तो गलती हो गई, अब क्या करें, आखिर है तो अपनी बेटी ही ना। देखा बेटा ना, अभी तक मोह नहीं गया है वो नागिन का। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। अम्मा, अरे कौन सा बड़ा पाप कर दिया किरणिया ने, हमें विश्वास है उसके ऊपर। और मानो अम्मा, और कोई गलती कर भी दिया है उसने तो पहली गलती समझ के माफ कर दो ना उसे। बार बार एक ही बात आप दोहराते हैं, कभी सोचा है आपने कि बाबूजी के दिल पे क्या गुजरता है? अरे भरोसा भी तो सबसे ज्यादा यही किए थे ना, तो तकलीफ भी तो इन्हीं को होगी सबसे ज्यादा। पूरी संपत्ति लुटाने चले थे उकरे ऊपर, यहाँ तक बोल दिए थे कि हमारी चिता को आग भी वही देगी, अब देखो। अरे तो गलती हो गई, अब क्या करें, आखिर है तो अपनी बेटी ही ना। देखा बेटा ना, अभी तक मोह नहीं गया है वो नागिन का, इसीलिए हम कहते हैं कि फन फैला के बैठी है। अरे तुमको तो समझाना ही बेकार है, जो बच्ची बचपन से लेकर आज तक चाचा चाचा क्या के पीछे पड़ी रही हो, उसको हम एक पल में अलग कर दें। अच्छा, अपने लड़का को तो एकदम एक पल में अलग कर दिए थे,
तभी मुंह कहाँ था आपका? अम्मा, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जाती हो? ये बात कचहरी करके कुछ फायदा है? देखो, आखिरकार बाबूजी ने मुझे माफ तो कर दिया ना, और खुदे बाबूजी मुझे घर पे भी लेके आए। अरे इनका तो आदत है आग लगने के बाद कुआं खोजने की। हम तो पहले ही से ही बोल रहे थे, पहले ही मान जाते, पर नहीं, तब तो हम ही को समझा रहे थे कि अरे भाग्यवान, ये सब भाग्य में लिखा होता है वही होता है। अब लीजिए, हो गया वही जो भाग्य में लिखा था। सब अच्छा होगा भौजी, आप टेंशन मत लीजिए। और जिसको जो बोलना है ना भाऊजी, बोलता रहे। हम सब मिलकर के किरणिया के लिए कुछ अच्छा करेंगे। आखिरकार हमारे घर की बेटी है भाऊजी, हम उसे ऐसे ही थोड़ी किसी के हाथ में सौंप देंगे। लक्ष्मी की तरह भाऊजी सौंपेंगे हम किसी को। हम यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया का जीवन सुखी रहे। जल्दबाजी में आकर हम उसके जीवन के साथ में कोई समझौता नहीं करना चाहते। हमको पता है कि हमारी बिटिया के साथ में कुछ भी होगा वो चुपचाप सह लेगी, वो कुछ बोलेगी नहीं। और तब बेटा हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अम्मा, एकदम मशीन गन लेके बोलियों की बौछार लगती हो करने। अरे एक बार भी सोचती हो, तुम्हारी वजह से जो है बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। हमको सब समझ में आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। हमको ज्यादा समझाओ ना तुम। तुम्हारे बाबूजी जो उनागिन के मोह फांस में फंसे हैं ना, बस हम वही मोह फांस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान, घर का सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है। कहाँ होगा, कब होगा? अगर समय पर काम नहीं हुआ तो पता नहीं बहुरिया खाना देगी भी या नहीं। चलो सा काम पे लग जा। ये भगवान जी, तू भी संभालना मुझे। अभी तक आपका काम खत्म नहीं हुआ? खत्म कर रहे हूँ बहुरिया, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। तो जल्दी करिए, अभी कितना काम बाकी है। रसोई का भी सारा काम बाकी है, और जब तक आप काम नहीं खत्म करेंगी तब तक आप सोच लीजिए। नहीं नहीं नहीं, सब खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, सब काम खत्म कर लूंगी मैं। तो ठीक है, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, और मेरे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। हाँ। समझ गई आप? समझ गए। नहीं 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 बहुरिया, ऐसा मत करना। अरे सब काम हो जाएगा, तुम घर से बाहर निकल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं 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 बहुरिया, नहीं। बहुत बुरा सपना था, लेकिन अगर सही में ऐसा हो गया तो नहीं नहीं हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे ना। हाँ। पता नहीं अगर बहुरिया को सच में आजादी मिल गई तो राम जाने कहाँ करेगी। अभी तो हमारी छाया बिटिया का ब्याह भी नहीं हुआ है, और ये धीरज वो भी पता नहीं करेगा भी या नहीं। और ये सूरज, वो तो अपनी माई को जैसे भुला ही गया है।
का करे, मना कर दे कि पढ़ाई लिखाई का कोनो जरूरत नहीं, घर की बहू हो घर के काम करो बस, बात ही खत्म हो जाएगा, मना ही कर देते हैं। हाँ जब इतना लोगों के सामने खुद ही बोल दिया है तो मना कैसे करे, हम ही खराब हो जाएगा ना सबके सामने, सब हमको ही जुल्मी सास समझेगा। एक काम करते हैं, हम मना ही नहीं करते लेकिन ओकरे हर काम में ऐसा अड़ंगा लगा देते हैं कि वो पढ़ाई के लिए बाहर ही ना जा पाए, और जब बाहर नहीं जा पाएगी तो कैसे ना जा दी। वाह क्या सोचा है, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वाह आशा कॉलेज जाएगी कैसे, मोटरसाइकिल पे और कैसे, घर तक ठीक है, ये बहुरिया तुम्हारे सामने आ जा रही है, अरे इतना आजादी दी है ना वो बहुत है, कि छोटे भाई की मेरा रू के साथ अगर तुम बाहर गए तो लोग काका बातें करेंगे, अरे कोनो कोनो का मुंह बंद करोगे तुम, तो कर भी क्या सकते, अगर सूरज होता तो आशा को कॉलेज लेकर जाता, अगर आज उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उसकी परीक्षा छूट जाएगी। आना है अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना, बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा, पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके